राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला संक्षिप्त बुद्ध चरित। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि सिद्धार्थ सत्य की खोज के लिए राजमहल छोड़कर वन में चले जाते हैं। वहां उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। इसके बाद वो संसार को उपदेश देने के लिए विभिन्न राज्यों में भ्रमण के लिए निकलते हैं और काशी में पहुंचकर ज्ञान के मार्ग का परिचय लोगों से कराते हैं। अब सुनिए इससे आगे की कहानी। इस भाग का शीर्षक है दीक्षा दान। काशी के मृगदाव में धर्म चक्र का प्रवर्तन करने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने निर्वाण धर्म में अश्वजित आदि पांचों भिक्षुओं तथा कुछ अन्य मुनियों को दीक्षित किया। कुछ समय बाद वहां यश नाम का कुलपुत्र आया। भगवान बुद्ध ने उसे उपदेश दिया। बुद्ध के वचन सुनकर उसे ऐसी शांति मिली जैसे धूप में तपे व्यक्ति को नदी की जलधार में मिलती है। उस कुलपुत्र यश ने पूर्ण साधना से इसी शरीर से अर्हता प्राप्त की। अपने आप को आभूषणों से सज्जित देखकर जब उसे लज्जा का अनुभव हुआ तो भगवान बुद्ध ने कहा, हे वत्स, चाहे कोई आभूषणों से अलंकृत हो या सिर मुड़ाए हुए हो, इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। जो समदर्शी है, जितेंद्रिय है, वे ही धर्म का आचरण कर सकते हैं। कोई जन्म लिंग धर्म का कारण नहीं होता। वन में रहते हुए भी जो मन से विषयों को याद करते हैं, वे वन में भी गृहस्थ ही रहते हैं। और जिन्होंने मोह और इंद्रियों पर विजय पा ली है, वे घर में रहकर भी सन्यासी बने रहते हैं। ये बताने के बाद तथागत ने यश को भिक्षु कहकर संबोधित किया और उसको तथा उसके साथ अन्य 54 गृहस्थों को सद्धर्म में दीक्षित किया। कुछ समय बाद इन शिष्यों में से अर्हता को प्राप्त 8 श्रेष्ठ शिष्यों ने भगवान बुद्ध की अभ्यर्थना की। तथागत ने उनसे कहा, हे भिक्षुओं, तुम सब कृतार्थ हो गए हो, सभी दुखों से मुक्त हो। अब तुम लोग अलग अलग दिशाओं में जाओ, भ्रमण करो, दया भाव से दीनहीनों का कल्याण करो, उन्हें सद्धर्म का उपदेश दो। मैं भी अब महर्षियों की नगरी गया जाना चाहता हूँ। वहां विभिन्न प्रकार की सिद्धियों के मद से उन्मत्त काश्यप मुनि को अपने विनय धर्म से जीतना चाहता हूँ। इस प्रकार सद्धर्म के प्रचार के लिए अपने शिष्यों को विभिन्न दिशाओं में विदा करके तथागत भी गया के लिए चल पड़े। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध गया पहुंचे। वे वहां से सीधे काश्यप मुनि के आश्रम में गए।
वहां जाकर उन्होंने काश्यप मुनि से अपने रहने के लिए कुछ स्थान मांगा। काश्यप मुनि ने उनका स्वागत तो किया, परंतु ईर्ष्यावश उन्हें मारने की इच्छा से एक ऐसी अग्निशाला में रहने के लिए कहा जिसमें एक भयंकर सांप रहता था। तथागत निर्विकार भाव से अग्निशाला में गए और शांतिपूर्वक एक वेदी पर बैठ गए। महात्मा बुद्ध को अग्निशाला में निर्भय, अक्षुब्ध और शांत बैठा देखकर वो सर्प बाहर आया और उसने फूत्कार की। उसके विष की ज्वाला से सारी अग्निशाला जलने लगी, परंतु महात्मा बुद्ध निर्विकार भाव से बैठे रहे। उन्हें विष की अग्नि ने स्पर्श भी नहीं किया। महासर्प ने जब भगवान तथागत को शांत मुद्रा में बैठे देखा तो वो आश्चर्यचकित होकर प्रणाम करने लगा। आश्रमवासी अग्निशाला को जलता हुआ देखकर चिल्लाने लगे, परंतु जब सुबह हुई तो भगवान बुद्ध ने उस महासर्प को अपने भिक्षा पात्र में रखा और उसे लेकर काश्यप मुनि के पास गए। भिक्षा पात्र में उस भयंकर महासर्प को विनीत भाव में बैठा देखकर काश्यप मुनि समझ गए कि ये मुनि मुझसे बहुत बड़ा है। उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। काश्यप मुनि के मन परिवर्तन की बात सुनकर उनके 500 शिष्यों ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इसी तरह काश्यप मुनि के भाई गए और नदी भी भगवान बुद्ध की शरण में आए। तीनों काश्यप बंधुओं और उनके शिष्यों को भगवान बुद्ध ने गय शीर्ष पर्वत पर निर्वाण धर्म का उपदेश दिया। उनके उपदेशों को सुनकर हजारों भिक्षुओं को अतिशय आनंद प्राप्त हुआ। तभी भगवान बुद्ध को याद आया कि उन्होंने मगधराज बिंबसार को वचन दिया था कि जब उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा तो वे उन्हें नए धर्म में दीक्षित करेंगे और उपदेश देंगे। इसलिए उन्होंने सभी काश्यपों को साथ लिया और मगध की राजधानी राजगृह की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध अपने समस्त शिष्यों के साथ राजगृह के वेणुवन में पहुंचे और वहीं विश्राम करने लगे। मगध राज ने जब सुना कि महात्मा बुद्ध वेणुवन में पधारे हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने मंत्रियों तथा नगरवासियों के साथ उनके दर्शन के लिए चल पड़े। मगधराज मुनि श्रेष्ठ को देखते ही अपने रथ से उतर पड़े और विनय पूर्वक उनके पास पहुंचे, सिर झुकाकर प्रणाम किया और आज्ञा मिलने पर भूमि पर बैठ गए। वहां आए सभी लोग काश्यप बंधुओं को महात्मा बुद्ध के शिष्य के रूप में देखकर आश्चर्यचकित रह गए। बुद्ध ने ये देखकर काश्यप से पूछा, भंते, तुमने अग्नि की पूजा क्यों छोड़ दी? काश्यप ने भरी सभा के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वज्ञ, अग्नि की पूजा करने से
और उसमें आहुति देने से पुनः संसार में जन्म लेने की प्रवृत्ति बनी रहती है, जिसके कारण शारीरिक और मानसिक क्लेश होता है। इसीलिए मैंने अग्नि उपासना छोड़ दी। इससे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। अपने शिष्य के ये वचन सुनकर भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, हे महाभाग, तुम धन्य हो, तुमने उत्तम धर्म स्वीकार किया है। जैसे धनी व्यक्ति अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं, तुम अपनी दिव्य शक्ति के ऐश्वर्य का प्रदर्शन करो। ये सुनकर काश्यप ने अनेक यौगिक चमत्कार दिखाए, जैसे आकाश में उड़ना, बैठना, सोना, अग्नि के समान जलना आदि। इस प्रकार के अनेक चमत्कार प्रदर्शित कर काश्यप ने भगवान बुद्ध को हाथ जोड़े और सबके सामने कहा, हे महामुनि, मैं आपका शिष्य हूँ। ये सब कुछ देख और सुनकर मगधराज और सभी मगधवासी आश्चर्यचकित हो गए और संवेद स्वर में बोल पड़े, बुद्ध सर्वज्ञ है। हाँ हाँ, बुद्ध सर्वज्ञ है। बुद्ध सर्वज्ञ है। बुद्ध सर्वज्ञ है। बुद्ध सर्वज्ञ है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने जिज्ञासु मगधराज को अनात्मवाद का उपदेश दिया। उनको बताया, जैसे सूर्य कांत मणि और ईंधन के संयोग से अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही विषय, बुद्धि और इंद्रियों के संयोग से चेतना का जन्म होता है। बीज से उत्पन्न होने वाला अंकुर जैसे बीज से भिन्न भी है और अभिन्न भी, वैसे ही शरीर, इंद्रिय और चेतना परस्पर भिन्न भी हैं और अभिन्न भी। भगवान बुद्ध के उपदेशों से मगधराज बिंबसार ने परमार्थ ज्ञान और पूर्ण धर्म दृष्टि प्राप्त की। उनके साथ आए मगध के अन्य व्यक्ति भी कृतकृत्य हो गए। तथागत का उपदेश सुनकर मगधराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने परम शांति का अनुभव किया। उन्होंने मुनि के निवास के लिए वेणुवन भेंट कर दिया, फिर उनसे आज्ञा लेकर अपने भवन की ओर प्रस्थान किया। एक दिन भगवान बुद्ध के जितेंद्रिय शिष्य अश्वजित भिक्षा के लिए नगर में गए। उनके मुख की शांति और कांति को देखकर अनेक नागरिक उनके प्रति आकर्षित हुए। वहीं कपिल संप्रदाय के एक सन्यासी अपने शिष्यों के साथ आए और अश्वजित को देखकर उनसे पूछने लगे, हे स्वामी, आपको देखकर हम सभी आश्चर्यचकित हैं। आपके गुरु कौन हैं? उनकी क्या शिक्षा है? अश्वजित ने कहा, इक्ष्वाकु वंश के सुगत बुद्ध मेरे गुरु हैं। वे विद्वान हैं और मैं तो अज्ञानी हूँ। मैं अभी कुछ दिन पूर्व ही उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म में दीक्षित हुआ हूँ। अतः मैं आपको उनकी शिक्षा बताने में तो असमर्थ हूँ, फिर भी संक्षेप में कहता हूँ। उन्होंने उपदेश दिया है कि सभी धर्म किसी न किसी निमित्त से ही उत्पन्न होते हैं, बिना कारण कुछ भी नहीं होता। अश्वजित के उपदेशों से ही
उपतिष्य नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण को भी ज्ञान प्राप्त हो गया। उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया और वो वेणुवन की ओर जाने लगा। मार्ग में उसे मौद्गल्यायन नाम के ब्राह्मण मिले। उन्होंने उपतिष्य के प्रसन्न मुख को देखकर पूछा, अरे आज तो तुम भिन्न पुरुष से प्रतीत हो रहे हो, क्या तुम्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई है? ऐसी शांति और प्रसन्नता अकारण नहीं होती, बताओ क्या बात है? तब उन्होंने बुद्ध के शिष्य से जो उपदेश सुने थे वे मौद्गल्यायन को बता दिए। उसका कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि मौद्गल्यायन को भी सम्यक दृष्टि प्राप्त हो गई। तब दोनों अपने अपने शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए वेणुवन गए। इन दोनों को शिष्य मंडली के साथ वेणुवन में आते देखकर महामुनि बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, ये दोनों मेरे प्रमुख शिष्य हैं। उनमें से एक ज्ञानी है, दूसरा दिव्य शक्ति संपन्न है। जब वे निकट आ गए तो भगवान बुद्ध ने उन दोनों से कहा, शांति की इच्छा वाले साधुओं, आपका स्वागत है। आप उत्तम धर्म को भली भांति समझिए। तथागत के प्रवचनों को सुनकर दोनों साधु मुक्त हो गए और उन्होंने अपनी जटा और दंड त्याग दिए और काषाय वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ मस्तक झुकाकर भगवान बुद्ध को नमस्कार किया, उनके आदेशों का पालन किया और क्रमशः साधना करके परम पद प्राप्त किया। तथागत की ख्याति सुनकर काश्यप वंश के एक धनी ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और संबंधियों को त्याग दिया और वो निर्वाण की इच्छा से एक दिन भगवान बुद्ध के पास आ गया। उसने प्रणाम करके निवेदन किया, हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। नवागत शिष्य की बातें सुनकर भगवान बुद्ध ने उसे अपने पास बैठाया और उपदेश दिया। उसने अपनी प्रखर बुद्धि से तथागत के उपदेशों को भली भांति हृदयंगम किया। बाद में इन्हें ही महाकाश्यप के नाम से प्रसिद्धि मिली। संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। मूल कथा महाकवि अश्वघोष, आलेख प्रोफेसर माणिक गोविंद चतुर्वेदी, सहयोग प्रोफेसर अनिरुद्ध रॉय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार मंजू मैनी, जितेंद्र राम प्रकाश, कीमती आनंद, अशोक शर्मा और अशोक मलकानी, तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार, तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े, ध्वनिंकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।